बताएं सर क्या करना चाहिए। दीप देखिए, तेजी की पोजीशन बरकरार रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप थोड़े से डेंजर जोन की तरफ आ गए हैं, एकदम हायर रेंज पर हैं। 16,625 16,700 निफ्टी की हायर रेंज है। अगर रुकना है तो आखिरी बाधा यही है रुकने के लिए जहां पर निफ्टी इस वक्त है, और बैंक निफ्टी 35,800 35,900 के आसपास ये रुकने के लिए आखिरी पड़ाव है जहां पर रुकने वाला है। और हम आज बात कर भी रहे थे कि 35,800 35,850 के ऊपर बंद होगा तो एक नए रेंज में पहुंच जाएगा, और अगर 16,625 630 के ऊपर बंद होता है निफ्टी तो नए हाईज की तरफ पहुंचेगा। तो वैसे देखा जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है 100% आप होल्ड करिए। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो ही सोचना है कि आप क्या क्लोजिंग इन लेवल के ऊपर दे रहे हैं या फिर आखिरी एक घंटे में। तो कल के लिए या फ्रेश एंट्री के लिए इंतजार करेंगे क्या 3:20 का, 3:20 पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि दो दिनों से अमेरिकी बाजारों में भी भरपूर तेजी हुई, आज डाउ फ्यूचर हल्के हरे निशान में, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं, वहां पर भी लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट है। तो फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़े लेट हैं, इनफैक्ट ये रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, मेक और ब्रेक लेवल है, तो क्लोजिंग का इंतजार करेंगे 3:20 का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, और क्यों नहीं होंगे वो मैं रीजन बता दूं डेटा के साथ में। पहला, अब आपके लिए जो रेंज शिफ्ट होती दिख रही है वो ऊपर की तरफ 16,565 16,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बचे हुए समय के लिए, और क्यों करेगा वो समझ लीजिए। 16,600 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 57 लाख शेयरों का, आप आखिरी एक घंटे में उसके पार निकल कर टिके हुए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग और होगी। और अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो आप चौंक जाएंगे दीप, आज मंगलवार है, गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होनी है, और उससे पहले 16,600 के पार निकलने के बाद 1,65,00,000 शेयर 1.65 करोड़ शेयर्स कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर आ चुके हैं। चलिए मान ले 16,600 वालों को छोड़ भी दें, तब भी 1,07,00,000 शेयर आपके कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो 16,550 तक कॉल राइट करके बैठे हैं, मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, इन्हें अपनी शॉर्ट काटनी ही काटनी है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब आपके लिए 16,565 जहां पर आज आप खुले वही अपने आप में मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और हो सकता है आखिरी एक घंटे में 16,590 के नीचे भी निफ्टी ना आए, ये डेटा की मजबूती आपको दिखा रही है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग सहारा देगी। तो उस लिहाज से अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आज खरीदे 16,700 के टारगेट के लिए 16,690 16,700 के टारगेट के लिए, और अगर आप शांति से खरीदना चाहते हैं तो 3:20 पर खरीदें, मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एंट्री मेक और ब्रेक पॉइंट वाली है, इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है।